क्या रमेश बाबू, कैसा है? हापी जा रहे क्या? क्या कैसे है सोमजी आई, पानी नीचे फेंका, अभी मैं गीला हो जाता तो। कैसे गिरता, मैं देख के डाली ना। क्या देखा आपने कि मैं नीचे से जा रहा हूँ, इसके ऊपर पानी डालो। वो कैसा लगा आई? क्या उधर का पूछता, मुझसे पूछ। मैं अच्छा खासा ऑफिस जा रहा था, पानी नीचे फेंका, अभी मैं गीला हो जाता तब। पानी नीचे नहीं तो क्या ऊपर गिराती? गीला नहीं हुआ ना, बड़बड़ नहीं करने का। क्या एक तो ऊपर से पानी गिराती है। रमेश बाबू क्यों लगते हैं इन लोग के, जाने दीजिए, छोड़िए। देखा कपूर साहब, पानी कैसे जस्ट मिस हुआ, एक इंच और। ए, उसको क्या बोलते रे, मेरे को बोल ना डायरेक्ट चाना। चला जाओ जाए, चल चल चल। बिजला ने काई नहीं होगी तो बड़बड़। शपथ शपथ, एक दिन आपकी भी कोई झूठी शपथ खाएगा। Congratulations, Ramesh Babu. अब तो आपका प्राइवेट कैबिन और उसके बाहर मैनेजर का बोर्ड। सिर्फ समोसे और चाय से नहीं चलेगा रमेश बाबू, कुछ स्ट्रॉन्ग चाहिए। क्या साहब, 50,000 निकले? हेलो हेलो। अरे सुनो, तुम बिलीव नहीं करोगी आज। अरे तुमने फुल रेट में क्यों फोन किया? अरे वही तो कह रहा हूँ। अच्छा पहले सुनो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। अलमारी के लॉकर में मेरा लक्ष्मी चेन है, आओगे तो वो ले आना जरूर। यहाँ शादी में सबने इतनी ज्वेलरी पहन रखी है, क्या बताऊं। हाँ और सोनू अपनी हिस्ट्री की बुक वही भूल गया है, हॉलीडे होमवर्क नहीं करेगा तो वो टीचर पता नहीं कितने मार्क्स काट देगी, आते वक्त वो भी ले आना। अरे सुनो तो मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा बोलो क्या है आज। सुनो पता है ऑफिस में क्या हुआ? अरे नमस्ते मामा जी। हाँ इनका फोन है बम्बई से, नीचे आगरे वाले मामा जी बात करेंगे। हेलो नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटा, और क्या हालचाल है? बस वो छुट्टी वुट्टी नहीं मिली भाई, सारे की शादी में तो आपको जल्दी आना चाहिए था, यही समस्या है नौकरी वालों की, छुट्टी ही नहीं मिलती। अभी भी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है ना मामा जी? असिस्टेंट मैनेजर से? असिस्टेंट मैनेजर से तो अच्छा है, आप हमारे आगरे आ जाओ, अच्छा खासा बिजनेस दिलवा देंगे। क्यों सरिता? मामा जी जरा सरिता को फोन दीजिए। सरिता क्या है? सुनो तुम भी ना, सुनती तो हो नहीं और बस फोन किसी और को पकड़ा देती हो। अब वो सामने आ गए और फोन मांगा तो मैं क्या करूँ? अच्छा अच्छा सुनो, आज मालूम ऑफिस में क्या हुआ? हाँ आई। सुनो तुम बाद में फोन करना प्लीज, अभी सब बुला रहे हैं। ठीक है रखती हूँ। लिख लीजिए कपूर सर। और रमेश बाबू कैसा रहा आपका दिन? अरे बहुत अच्छी खबर है। बहुत बुरी खबर है। अब देखिए ना, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अब सवेरे आपका झगड़ा हुआ और फिर हेलो। हाँ बेटे, हाँ बेटे, हाँ बेटे बोलो। हाँ रमेश बाबू, रमेश बाबू, अमीर बाबू जी, बाबू जी, बाबू जी, बाबू जी, बाबू जी। कौन वो जिसका एक ही दिन में प्रमोशन हुआ और एक ही दिन में लॉटरी भी निकली? हाँ वही यार, वही। क्या किस्मत पाई है उसने। अबे उसने नहीं, उन्होंने। मेरी लॉटरी लग जाने वाली। अरे वाली नहीं, लग गई। लग गई, लग गई। रमेश बाबू, अरे आप ऑफिस से आ गए? अरे मुरारी अच्छा हो तुम आ गए। एक न्यूज सुनो यार। अपनी न्यूज अपने पास रखो, पहले मेरी न्यूज सुनो, एकदम लेटेस्ट। अरे कभी मेरी न्यूज भी सुन लिया करो पहले। आज मेरी, आज वो सोमची आई ना ऊपर वाली, टपक गई। टपक गई? अरे टपक गई, टिकट कट गया उसका, ऑफ हो गई सोमची आई। ए तुम चला चलो करना ना, आवाज बंद करना। अरे बाबा इन क्या कर रहा है, मोबाइल क्या माला, हम चढ़ाई बने चाहिए वाले ना, तुम लोग हमला बढ़ाएगा। आज सुबह मेरे साथ झगड़ा कर रही थी। हां बस
वही करते करते टपक गई। क्या मेरे साथ झगड़ा करते करते? तुम्हारे साथ झगड़ा किया, फिर सेल्समैन के साथ झगड़ा किया, और उसके बाद बहुत लंबी चीख, और उसके बाद हार्ट अटैक और डायरेक्ट ऊपर। रमेश बाबू। अरे बोलो बेगू, क्या बात है? क्या हुआ क्या? अरे वो फूल का क्या हुआ? अरे चलो चलो रमेश बाबू, फूल लेके आना है अभी। अरे भाई तुम लोग कर क्या रहे हो? हाँ जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं। अरे अभी तो मैंने नहाया भी नहीं यार। अरे पहुंचाने के बाद तो नहाना पड़ेगा ना, और बॉडी आ गई तो? और बॉडी आ गई तो? लो सुनो, आ जाओ। मैं मेरी वाइफ को बोला, रोने से क्या फायदा, रोने से कोई मरने वाला वापस आ जाएगा क्या? मुरारी जी मुझे भी फेट पे बहुत यकीन है, देखिए। अरे मुझे भी यकीन है, लेकिन लेडीज लोग को कौन समझाए अब? तो भाई कितना टाइम और लगेगा, लोगों को वेट कर रहे हैं। लाए क्या? अब चलिए, आप चलिए, आप चलिए। अरे क्या भाई वेंकट, ये सब क्या है? बेबी का बर्थडे था, उसके सब फ्रेंड्स को बुलाया था पार्टी के लिए। बीवी भी छुट्टी ली थी ऑफिस से हाफ डे। अच्छा। और अब कितना टाइम लगा दिया, किधर गए थे? तेरे को मालूम होता है कितनी भीड़ आजकल, आजकल शादी का सीजन चल रहा है, लकीली एक की शादी कैंसिल हो गई। सुना है सुबह सुबह आपके साथ झगड़ा हुआ था इनका? क्या गुप्ता जी, रोज किसी ना किसी के साथ झगड़ा होता था, आज मेरे साथ हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन आज आपके साथ हुआ ना। खैर एनीवे, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। हाँ देखिए ना, मैं रोज लॉटरी का टिकट खरीदता था। लॉटरी का टिकट? बकवास, वेस्ट ऑफ टाइम। पता नहीं गवर्नमेंट लोगों को बैन क्यों नहीं कर देती। गुप्ता जी लॉटरी इतनी बुरी बात नहीं है। इतनी बुरी बात नहीं, सबसे बुरी बात है। बकवास, यूजलेस। अरे खामखा अपने वो मिडिल क्लास लोगों को झूठे सपने दिखाते रहते हैं। सुना आज तक किसी को लॉटरी का टिकट लगा? निकाला यार, बात कर रहा हूं। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, चट मंगनी पट शादी। अरे रमेश बाबू, वो लीकेज क्या क्या कर रहे हो? अरे लीकेज का तो कल ही कर लेंगे। तो ठीक है, मैं अपने प्लम्बर को बुला लेता हूँ, आपका काम भी कर देगा और मेरा काम भी कर देगा। फालतू में दो जगह पैसा क्यों खर्च करेगा? अरे सामंत बाबू, सारा खर्चा मेरा। क्या सारा खर्चा ऑफिस के नाम डालोगे? अरे ऑफिस की बात ही नहीं है, आज क्या हुआ कि मेरे, देखा देखा, प्राइवेट में यही फायदा होता है, गवर्नमेंट में अटके रहने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। एक एक खर्चे के लिए 50-50 लोगों से सेंक्शन कराना पड़ता है। आफ्टर ऑल वी आल्सो आर पेइंग टैक्सेस। सब कुछ कैसे अचानक हो गया? नहीं सवेरे तो अच्छी भली थी, मेरे साथ उनका जम के झगड़ा भी हुआ। अब मुझे क्या मालूम था कि मेरे साथ उनका ये आखिरी झगड़ा है, लेकिन क्या झगड़ा था, मेरे लिए कितना लकी था मालूम। मैं ऑफिस पहुंचा और मेरा प्रमोशन हो गया। इतना ही नहीं, लौट के आ रहा था तो मैंने सोचा कि अपनी लॉटरी का टिकट चेक करा लूं। कुछ निकला? अरे निकला, लॉटरी निकली। कितनी? 50,000 की। 50,000। तो रमेश बाबू, लीकेज का खर्चा आप ही को देना होगा। ऐसा तो खाली स्टोरी में सुना था और देख भी लिया। ऑफिस से गाड़ी वाड़ी तो मिलेगी ना? अरे क्यों नहीं। अरे नहीं नहीं, गाड़ी वाड़ी कहाँ। अरे कैबिन तो मिलेगा ना? मिलनी तो चाहिए। अब ऐसे वैसे पार्टी चाहिए भाई। कितना लकी डे है ना। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है।